गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार दिया एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू दैट। आई बी शेयरिंग बहुत सारा यहाँ पर अबाउट PCOS व्लॉग, अबाउट मी, अबाउट माई लाइफ, अबाउट चैलेंजेस विच आई लव डूइंग। यू नो, लोग बाग कहते हैं ये लगा लो उससे ऐसा हो जाएगा, ये कर लो उससे ऐसा हो जाएगा, ऑल अबाउट चैलेंजेस। सो मैं वो सारी चीज़ें, काफ़ी मज़ा आता है मुझे ट्राई करने में एंड उससे आपको पता भी चलेगा कि क्या एग्जैक्ट वर्क करता है क्या नहीं करता है। सो आज का वीडियो होने वाला है Q&A बिकॉज आई गॉट लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू PCOS एंड फेशियल हेयर। सो उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए एंड किसी का अगर क्वेश्चन छूट जाता है सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी मेकिंग वन मोर पार्ट टू बिकॉज एक है बी पॉजिटिव करके, उनने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं तो उसके लिए मुझे ना एक पार्ट टू वीडियो अलग से उनके क्वेश्चंस का वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे हैं एंड उसमें काफ़ी सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी आप लोगों की भी। सो लेट गेट स्टार्टेड। मैं यहाँ पर ना आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ, आप इस चैनल पे ना ही कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो देखोगे रिलेटेड टू PCOS और एनी थिंग। मैं यहाँ पर जो भी आपके साथ शेयर करूंगी वो मैं अपने हार्ड अर्न मनी से लिया हुआ ही चीज़ें शेयर करूंगी, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। सो जल्दी जल्दी वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप लोग बोर हो रहे होगे मेरे बोलने से, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, पहला क्वेश्चन पूछा है बी पॉजिटिव ने कि एप्लीकेटर यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सो बेसिकली इट टोटली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, आप यूज करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। एंड मैंने यूज किया था एंड मुझे उससे बहुत ही ज्यादा गद्दे रिजल्ट मिले। मैंने लिया था वीट का नॉर्मल सा, एक मेरे बजट के रेंज का अराउंड 2000 रुपीज कुछ का या 1000 कुछ का आया था। जब ये लॉकडाउन चल रहा था तब मैंने उसको यूज किया क्योंकि कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं था बाहर जाने का। सो उससे मुझे बहुत ज्यादा हार्ड हेयर आना शुरू हो गए, उसके बाद ही मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा हार्ड हेयर स्टार्ट हुए। तो मैंने उसको यूज करा कुछ टाइम एंड देन मैंने बंद कर दिया। देन आई स्टार्टेड वैक्सिंग और मैंने इवन पूछा एक स्किन स्पेशलिस्ट से भी कि एप्लीकेटर इज गुड फॉर स्किन और नॉट, तो उनने मुझे मना किया। सो सिंस देन आई हैवंट यूज्ड इट एंड इट टोटली डिपेंड्स, अगर आपको यूज करना है तो आप कर सकते हो, अगर आपकी स्किन को सूट कर रहा है, अगर आपको हार्ड हेयर्स नहीं आ रहे हैं तो आप बिल्कुल यूज कर सकते हो। अदरवाइज मैं बोलूंगी बिल्कुल भी यूज मत करिए क्योंकि मेरे साथ, आपने मेरा वीडियो देखा होगा, मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगी, उसमें मुझे बहुत ज्यादा हार्ड हेयर्स हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है, ये पूछा है वर्मा आर करके हैं, उनने पूछा है कि आप कौन सा वैक्स यूज करते हो। सो मैं यूज करती हूँ रीका का वैक्स एंड वो है ब्राजीलियन वैक्स। तो आप उसमें कोई भी यूज कर सकते हो, एलोवेरा यूज कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। मैंने इसको परचेज किया था अमेजोन से एंड मैं खुद ही यूज करती हूँ, मैं पार्लर नहीं जाती हूँ करवाने के लिए, कभी कभी चले भी जाती हूँ और कभी कभी खुद से ही करती हूँ। एंड मैंने उसका भी वीडियो शेयर किया, मैं लिंक दे दूंगी यहाँ पर, आप वो चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये कि लेजर ट्रीटमेंट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए चिन हेयर के लिए, बेसिकली फेशियल हेयर के लिए। सो यहाँ पर मैं बोलूंगी अगर आपका हार्मोन्स की प्रॉब्लम है लाइक PCOS, थायराइड, जो भी हार्मोनल इश्यूज हैं तो आपको बिल्कुल भी लेजर ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो आपको वर्थ नहीं रहेगा, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। सो अगर आपको हार्मोन्स के इश्यूज नहीं है, एवरीथिंग इज गुड इन योर बॉडी, देन आप लेजर ट्रीटमेंट आप करवा सकते हो। मेरे घर पर करवाएं, मेरी आंटी लोगों ने करवाया हुआ है। सो मैंने भी सोचा था कि मैं करवा लेती हूँ बट आफ्टर रिसर्चिंग कि मुझे ऑलरेडी PCOS है तो कभी हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं, कभी इम्बैलेंस हो जाते हैं। सो मेरे लिए वो वेस्ट ऑफ मनी होगा, सो आई विल गो विथ वैक्स ओनली जब तक एकदम PCOS जड़ से ख़त्म नहीं हो जाता है। सो बेसिकली आपको अगर PCOS है तो आपको नहीं कराना चाहिए क्योंकि हार्मोन्स इम्बैलेंस है एंड अगर आपको नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल करवाइए, जाकर आप बिल्कुल करवा सकते हो। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हार्मोन्स को कैसे बैलेंस करें। सो गाइस, ये बहुत वास्ट टॉपिक है एंड मैंने इसके बारे में काफ़ी सारी रिसर्च की है कि कैसे बैलेंस करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। अगर आप चाहते हो इस टॉपिक पे मैं पर्टिकुलर वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँ तो आप मुझे कमेंट में बताओ। सो मेरा वीडियो मैं उसके लिए आप बना दूंगी क्योंकि आपको ना बहुत सारे लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ते हैं, मैंने वो किए हैं। सो मैं आपके साथ ना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ कि क्या खाओ, कैसे आपको, कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कि कब एकदम इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हाँ भाई हम खुद से नहीं कर पा रहे, हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। सो अगर आप चाहते हो तो इस पर मैं एक अलग से वीडियो आपके साथ शेयर कर सकती हूँ।
तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपने होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लिया है. सो यस, मैंने लिया है होम्योपैथी का ट्रीटमेंट एंड एक साल तक लिया था फॉर पिंपल्स एंड फॉर पीसीओएस बेसिकली मैंने लिया था एंड उससे मुझे काफ़ी सारे फायदे भी हुए. सो अगर आप लेना चाहते हो, आपकी आप जहाँ रहते हो वहाँ पर कोई होम्योपैथी डॉक्टर है जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो आप बिल्कुल उनसे ले सकते हो. इट्स वर्थ. अगर आपके पास टाइम है, अगर आपको प्रेग्नेंट नहीं होना है, आपको किसी भी तरीके का इशू उस तरीके का नहीं है, तो आप बिल्कुल होम्योपैथी का ट्रीटमेंट ले सकते हो. बी पॉजिटिव के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एंड मैं उनके लिए एक अलग से पूरा स्पेशल वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि उनके क्वेश्चंस बहुत लंबे हैं और साथ में वो अगर मैं उनको डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए. एंड आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा. इनकेस पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले. यहाँ पर आपको मेरे एक ऑनेस्ट लाइफ में जो जो मैंने पीसीओएस की अपना बेयर किया है वो आपको मिलेगा एंड प्लस आई लव शेयरिंग ब्लॉग्स, आई लव शेयरिंग चैलेंजेस. तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि मैं कौन सा चैलेंज फॉलो करूँ या आपको कुछ पर्टिकुलर वीडियोस देखने हैं. सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय.